पायल ने उज्बेकिस्तान में हुए 9वें एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इस देश का नाम रोशन किया था। आप स्विमिंग यानी तैराकी में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। ये प्रशस्ति पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से ये सम्मान आज उन्हें प्रदान किया जा रहा है। निताशा को आमंत्रित करते हैं। निताशा ने 2017-18 में नेपाल में हुए साउथ एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का और एमसीएम डीवी कॉलेज का नाम रोशन किया था। आपने बीते दिनों जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में भी सिल्वर मेडल जीता था। निताशा के बाद आमंत्रित करेंगे यामिनी गुप्ता को। यामिनी गुप्ता मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। आप खिलाड़ियों के उस दल के सदस्य थे जिसने मार्शल आर्ट में सबसे लंबी अवधि का प्रदर्शन करके ये सम्मान प्राप्त किया था। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी आपने सिल्वर मेडल जीता था और भी पिछले हफ्ते कोरिया में आयोजित टूर्नामेंट में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तानिया भाटिया। तानिया चंडीगढ़ की यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उस टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-1 से विजय भी हासिल की थी। शुभकामनाएं तानिया को और उन सभी को जिन्हें आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। पलक कौर बिजराल। पलक ने उज्बेकिस्तान में आयोजित रिदमिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में भाग लिया था और 2017-18 में सीनियर नेशनल लेवल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी आपको बेस्ट जिम्नास्ट डिक्लेयर किया गया था। जिम्नास्टिक की फील्ड में और खासतौर पर रिदमिक जिम्नास्टिक की फील्ड में एक बहुत ही सशक्त नाम पलक कौर बिजराल।